वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे ऑक्सीमीटर के बारे में आपको पता लग गया होगा। कोरोना में लोगों ने हेल्थ डिवाइस को इतने पास से जान लिया है कि मतलब अभी हर कोई यहाँ पे एक्सपर्ट हो चुका है। ऑक्सीमीटर काम क्या करता है? सिंपली आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, जो कि कोरोना का मेन सिम्टम है, जहाँ पे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, कम हो जाता है। इवन तो ऑक्सीमीटर ये कन्फर्म नहीं करता कि आपको कोरोना ही है, बट हाँ अभी जो सिचुएशन है मार्केट में, जो हालात है, उसके हिसाब से ऑक्सीमीटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे पास माइक्रोटेक का ऑक्सीमीटर है, लेकिन बात करें इंडियन मार्केट में तो लोकल मैन्युफैक्चरर इतने ज्यादा है या बाहर से इंपोर्ट किए हुए डिवाइस इतने ज्यादा है कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कौन सा असली है कौन सा नकली। और ऐसे टाइम में अगर डिवाइस आपको गलत रीडिंग दे रहा है तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क है, बहुत ही बड़ा धोखा है आपके साथ। इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली मैं, कि आपको पता लग जाए, आप पता कर पाए कि आपने जो डिवाइस खरीदा है, कोई भी ऑक्सीमीटर खरीदा है, वो असली है, नकली है, फॉल्टी है या उसमें कोई दिक्कत है। ये सब चेक करने के बाद ही आप कोई भी ऑक्सीमीटर खरीदे। बोल तो ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है? सिंपल, आप इसको ओपन करते हो, अपनी फिंगर को इसके अंदर डालते हो और इसको क्लोज करते हो, ये कुछ देर में आपको जो रीडिंग है वो बता देता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जाके सेल्स को देखता है कि किसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, और उसके हिसाब से ये आपको परसेंटेज बताता है। दैट मींस कोई भी ऑक्सीमीटर लिमिटेड है लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कि कोई डेड आइटम उसमें डालोगे, नॉन लिविंग आइटम उसमें डालोगे, कोई ऑब्जेक्ट उसमें डालोगे तो टेक्निकली उसको रीडिंग नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे अगर वो रीडिंग दे रहा है, दैट मींस कि वो ऑक्सीमीटर खराब है। वैसे टेक्निकली जब भी आप ऑक्सीमीटर के अंदर फिंगर को इंसर्ट करते हो, स्विच को पावर ऑन करते हो, तो ये आपके ऑक्सीजन लेवल को नाप के यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता है, बता देता है आपको कि आपका ऑक्सीजन लेवल अभी क्या है इन परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई डेड ऑब्जेक्ट डालता हूँ या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डालता हूँ, लेट्स से पेंसिल डाला मैंने, तो यहाँ पे इसको कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए टेक्निकली। तो यहाँ पे आप बाहर देख सकते हो बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, डेट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है और कुछ देर बाद ये बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये रीडिंग दे देता है, डेट मीन्स कि आपका जो ऑक्सीमीटर है वो फॉल्टी है, उसके अंदर कुछ दिक्कत है, तो भाई उसे मत खरीदो। एक और तरीका यहाँ पे टेस्ट करने का, आप अपने फिंगर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन का फ्लो है, उसको अगर आप रोक दो तब भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैंने एक बैंड लिया यहाँ पे, इसको मैं अपने फिंगर पे बांध लेता हूँ जोर से, एंड आई ट्राई कि मेरे फिंगर के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी मूवमेंट जो है कम हो जाए। इवन तो मैं पूरा रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं इसको ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा। वेल तो पहले जो मैंने चेक किया था ऑक्सीजन लेवल मेरा 97-99 आया था, अब मैंने यहाँ पे फिंगर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ऑलमोस्ट रोक दिया है। That means कि ऑक्सीजन का जो फ्लो है पहले जैसा नहीं है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ऑक्सीजन का फ्लो कम कर दिया, that means यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है या तो नहीं आना चाहिए या बहुत कम आना चाहिए। तो उसको चेक कर लेते हैं अभी क्या रीडिंग दिखा रहा है ये, एंड थोड़ा टाइम लेगा ये, बिकॉज अभी ऑक्सीजन की जो फ्लो है, जो मात्रा है, बहुत ज्यादा नहीं है इस फिंगर में। तो आई थिंक यहाँ पे जो फ्लो है ऑक्सीजन का वो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। डेट्स वाई यहाँ पे जो लाइन है पूरी कॉन्स्टेंट आ रही है और ये कोई रीडिंग ले नहीं पा रहा है यहाँ पे। इट ऑल्सो प्रूव्स कि आपका जो ऑक्सीमीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ हो चुका है और कोई रीडिंग ले नहीं पाया। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल हुआ। तो भाई ये थी यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऑक्सीमीटर के बारे में, कि अगर आप मार्केट में बाय कर रहे हो तो भाई सोच समझ के बाय करो, कुछ भी उठा के मतलब चेक करो, बाय करो, और अपने हेल्थ के साथ मजाक मत करो। आपका प्यार बस ऐसे ही बना रहे, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।